तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा योद्धा 1700 के बारे में, जो कि हमारे सामने खड़ी हुई है ये गाड़ी। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आप जो है कई प्रकार के मतलब यूजेस कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। जैसे कि आपको पीछे की साइड में कार्गो बॉडी भी मिलती है, अगर आपको कहीं सामान लेके जाना है तो उस पर्पज़ से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको इस गाड़ी को अगर फैमिली के हिसाब से भी कहीं लेकर के जाना है, अगर आपको कहीं घूमने जाना है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको क्रू केबिन भी मिलता है जहाँ पर 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, तो आप उस पर्पज़ से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं टाटा योद्धा 1700 के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दोस्तों इसके माइलेज प्लस इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, साथ ही इसके एक्सोरूम प्राइस क्या है, साथ ही इस गाड़ी के अंदर BS4 की तुलना में BS6 के अंदर क्या क्या खासे चेंजेज हुए हैं, उन सब चीज़ के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम BS6 टाटा योद्धा के साथ में आने वाले इंजन के बारे में। टाटा योद्धा के अंदर आपको जो है एड ब्लू वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर LNT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण होता क्या है कि हमारी ये जो गाड़ी है इसके अंदर जो BS6 के पॉल्यूशन मानक हैं उनको लीन नॉक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर कैटोलिटिक कन्वर्टर को लगाया गया है, साथ ही मिलता है O2 का सेंसर यानी कि ऑक्सीजन सेंसर। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर अलग से कोई भी ईट्स सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसके कारण हमारा फ़ायदा क्या होता है है कि हमें यहां पर एड ब्लू वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। LNT टेक्नोलॉजी के द्वारा यहां पर इसके पॉल्यूशन के जो मानक है BS6 के उनको कंप्लीट किया जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और खास फीचर से रूबरू कराता हूं इस गाड़ी के इंजन के अंदर। आपको जनरली देखा जाता है दोस्तों हमारे फ्यूल इंजेक्शन पंप जो होता है डीजल पंप, उसके अंदर कभी कभी एयर वगैरह आ जाती है, क्योंकि फ्यूल वगैरह कभी खत्म हो जाता है तो हमारे अक्सर करके जो है ड्राइवर भाई जो है वो परेशान हो जाते हैं और गाड़ी को लेकर जाना पड़ता है सर्विस सेंटर में, जहां पर इसका खर्चा काफी आ जाता है। लेकिन टाटा ने अपनी योद्धा के अंदर यहां पर दे दिया है आपको ये एक पंप, जिसके माध्यम से कभी भी आपकी एयर वगैरह आती है तो आपको बस इसको इस तरह से प्रेस करना है और आपकी जो एयर आई हुई है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ में कंप्लीट करके अपनी योद्धा को कंपनी ने लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मिलेंगे, जहाँ पर आपको टाटा की बैटरी मिल जाती है, ग्रीन कलर की है, जिससे कि मतलब यह है कि वातावरण के अनुकूल ये बैटरी भी है देखने में भी और इसके रिसाइकिलिंग के अंदर भी। दोस्तों अगर हम फ्रंट लुक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है टाटा की लोगो मिलती है क्रोम फिनिश के साथ में, ये मिलेगा फाइबर का मटेरियल, यहाँ पर ये ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पर दोस्तों आपको बड़े सारे इसके क्लियर लेंस हेडलैम्प मिलते हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ में ही आते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड इसके इंडिकेटर वगैरह मिलेंगे। और नीचे की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है फोग लैंप वगैरह लगाना अगर समझते हैं आप उचित तो वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर टो करके लेके जाने की सुविधा मिलती है, रिफ्लेक्टर वगैरह आपको सामने मिल ही जाते हैं। नई गाड़ियों के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको एंटी रोल बार जैसी सुविधा भी मिल जाती है, जिससे कि हमारी जो ब्रेकिंग वगैरह होती है या हम जब टर्निंग करते हैं गाड़ी को तो वो यहाँ पर काफ़ी आसानी से और काफ़ी मतलब एक व्यवस्थित तरीके से हमारी यहाँ पर टर्निंग और ब्रेकिंग होती है। तो दोस्तों इस तरह का आपको यहाँ पर जो है एंटी रोल बार जैसी सुविधा मिल जाती है नई गाड़ियों के अंदर। मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल जो खूबियाँ हैं जो कि अब आपको BS6 गाड़ियों के अंदर मिलने वाली हैं उनसे ज़्यादातर रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करें अगर दोस्तों हम इसके साइड प्रोफाइल की यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, MRF कंपनी के टायर लगे हुए हैं यहाँ पर। आपको मैं पास से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको 215x75 R16 के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिनकी ग्रिपिंग वगैरह है जो रोड के ऊपर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चौड़े आपको यहाँ पर जो है ये टायर मिल जाते हैं, स्टील व्हील रिम के साथ में आते हैं और काफ़ी बेहतरीन आपको बीच की साइड में जो है टाटा का यहाँ पर लोगो भी मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है लगभग 210 mm का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं या ऊँचे से ऊँचे मतलब डोले के ऊपर भी ये जो गाड़ी है आसानी से निकल जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार व्हील बेस मिलता है 3150 mm का और 1860 mm के आसपास की इसकी जो है आपको यहाँ पर चौड़ाई मिल जाती है। तो दोस्तों इस लिहाज से हम देखें तो काफ़ी डील डॉल वाली ये गाड़ी है, टाटा योद्धा जैसा इसका नाम है वैसी इसकी लंबाई चौड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल दोस्तों अगर हम गाड़ी की लंबाई की बात करें तो 5350 mm के आसपास इसकी लंबाई है और हाइट मिलेगी आपको यहाँ पर 1810 mm के आसपास की। तो दोस्तों इस तरह की है हमारी साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हैं योद्धा 1700 की आपको बैजिंग मिलेगी, साथ ही आपको यहाँ पर जो है ग्राफिक्स वगैरह भी मिल जाते हैं इसके डोर के ऊपर, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये ग्राफिक्स काफ़ी शानदार हैं और यहाँ पर दोस्तों दोनों ही साइड में आपको जो है लॉक करने की भी सुविधा मिलती है। अगर हम केबिन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इस केबिन के अंदर आपको 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। अगर आप इसको क्रू केबिन के साथ में भी लेना चाहें तो वो भी आपके पास में प्रावधान उपलब्ध होता है, जहाँ पर आप लगभग D+4 यानी कि 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों इस तरह की गाड़ी दिखती है हमें नीचे की साइड से, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत यहाँ पर जो है चेसिस लगाया गया है, पूरा का पूरा आगे से लेके पीछे तक का जो है यहाँ पर एक ही फ्रेम के अंदर चेसिस का बनाया निर्माण किया गया है, जो कि टाटा स्टील के द्वारा ही इसको बनाया गया है, यानी कि टाटा का ही स्टील इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। साथ ही दोस्तों पीछे
की साइड में आपको 9 पट्टे का यानी कि 9 लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको पीछे मिलता है और आगे की साइड में मिलेगा यहाँ पर 6 पट्टे वाला लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। साथ ही दोस्तों आपको एंटी रोल बार जैसी सुविधा मिली जाती है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स भी मिलते हैं जिससे कि आपकी गाड़ी चलाते समय उबड़ खाबड़ रास्तों में किसी भी प्रकार का जर्क फील आपको नहीं कराती है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी नीचे की बनावट, अब बात करते हैं इसके कार्गो बॉडी एरिया की, जहाँ पर आपको काफ़ी शानदार इसके अंदर कार्गो बॉडी मिलती है जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको CBC के माध्यम में भी ले सकते हैं, यानी कि आपके पास में CBC जो है ऑप्शन वो भी अवेलेबल होता है, जहाँ पर आप चेसिस और केबिन दोनों ही चीज़ को ले सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी बॉडी का निर्माण अगर आप अपनी इच्छा अनुसार करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं हम इसकी इस कार्गो बॉडी की, यहाँ पर आपको 8.8 फीट लंबाई वाली और 6.3 फीट चौड़ाई वाली आपको यहाँ पर शानदार कार्गो बॉडी मिल जाती है जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर दोस्तों आपको हुक वगैरह मिलते ही हैं। अगर आपको कोई सामान लेके जाना है बांध करके तो आप वो यहाँ पर लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास में कोई हल्का सामान है और आपका वजन उतना नहीं है तो आप यहाँ पर जो है इसकी बॉडी का निर्माण ऊपर की साइड में भी करवा सकते हैं। दोस्तों पीछे की साइड में आपको जो है ये डाला यहाँ पर इसको खोलने का भी प्रावधान होता है, जिससे कि अगर आप कभी कोई लंबा सामान लेके जाएं तो आसानी से आप अपने सामान को रख सकें। और पीछे की साइड से अगर हम देखें तो हमें इसकी बॉडी जो है कुछ इस तरह की दिखती है, जहाँ पर आपको सेफ्टी के लिहाज से अब आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, 4-4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे जिससे कि आप अपनी गाड़ी को बिना किसी की सहायता के रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम नीचे की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको इसका स्पेयर व्हील मिलता है जो कि काफ़ी व्यवस्थित रूप से इसको माउंटेड किया गया है, और पीछे की साइड में भी आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर जो है शॉक एब्जर्वर्स दिए गए हैं जो कि आपकी राइडिंग को काफ़ी कंफर्टेबल बनाते हैं, यानी कि गाड़ी चलाने को काफ़ी आसान बनाते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं श्याम टाटा कमर्शियल्स के फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं और आप चाहते हैं इन गाड़ियों को खरीदना तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की और बात कर लेते हैं हम इस साइड की, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने डाले को अगर चारों तरफ से खुलवाना चाहते हैं यानी कि खोलने का प्रोविज़न आप चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको बस बोल्ट के द्वारा उसको टाइट करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो है लॉक के द्वारा सेफली आप अपने डीजल टैंक को भी यहाँ पे रख सकते हैं, जिसके अंदर आपको कैपेसिटी मिलती है लगभग 45 लीटर का आपको यहाँ पर डीजल टैंक मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एड ब्लू वगैरह का डालने का कोई भी टैंक नहीं मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो है मैंने आपको बताई दिया है एड ब्लू डालने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर हम ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें टाटा योद्धा 1700 की, तो यहाँ पर आपको 3490 केजी के आसपास इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है, जहाँ पर आप 1700 केजी तो कंपनी बताती ही है कि इतना लोड आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी की कैपेसिटी इतनी है कि आप यहाँ पर जो है 2 टन तक का माल भी आसानी से लेके जा सकते हैं, यानी कि 300 केजी का माल आप एक्स्ट्रा लेके जा पाएंगे। ऑन रोड प्राइस है वो है 9,35,179 रुपये, और वहीं अगर हम एक्सो रूम की बात करें तो इसकी एक्सो रूम प्राइस है 8,27,548 रुपये के आसपास। टाटा योद्धा आती है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, जहां पर आपको फुल्ली सिंक्रोमेस्ट गियरबॉक्स मिलता है और गाड़ी के अंदर 260 मिलीमीटर डायमीटर का सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप जो है क्लच का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये तो थी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, अब मैं चलता हूँ गाड़ी की केबिन के अंदर और वहाँ के आपको फीचर से भी रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि अगर हम को पैसेंजर साइड को यहाँ पर खोलते हैं तो यहाँ पर जो है आपको डोर के ऊपर ये जो चीज़ें हैं देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आप पानी की बोतल रख सकते हैं, कुछ आपको पेपर्स वगैरह रखने के लिए जगह मिली जाती है, हैंडल वगैरह मिलता है। डोर के ऊपर आपको पूरा का पूरा जो ट्रिमिंग है वो ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा, और अंदर की साइड में जो है यहाँ पर आपको ग्रे कलर का जो है इसका फ्रंट डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार सीट्स मिलती हैं, जैसे कि अगर हम सीट को अगर हम पास से देखें तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ में नहीं मिलती हैं, ये लेदरटिक आपको यहाँ पर सीट मिलती हैं जो कि रैगजीन भी कह सकते हो आप, और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सॉफ्ट जो है कुशन वाली आपको यहाँ पर जो है ये सीट्स मिल जाती हैं। दोस्तों आगे की साइड में आपको लेग स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, अगर आप कोई बैग वगैरह भी लेके जाना चाहते हैं सामान के रूप में तो वो भी आप रख सकते हैं, और इस तरह की आपको यहाँ पर सीटिंग्स मिलती है। एक कार के जैसा इंटीरियर मिलता है अंदर की साइड में, जहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं ड्राइवर एंड को पैसेंजर साइड में। पीछे की साइड में एक विंडो भी मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको एयर कंडीशन नहीं मिलता है, इसलिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको जो है पीछे की साइड में विंडो वगैरह देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों हम गाड़ी के अंदर आपको बैठ के बताते हैं कि गाड़ी के अंदर हमें कितना स्पेस मिलेगा। तो भाई साहब ज़रा बैठ के बताइए लेग स्पेस वगैरह कितना मिलता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे अमन जी जो हैं गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, और इनके बैठने के बाद में आप देख सकते हैं इनकी सीटिंग पोजीशन, यानी कि ये जो है पूरे ऑलमोस्ट मतलब लंबे पैरों को करके भी बैठते हैं, तो यहाँ पर इनको इतना खासा स्पेस मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह की गाड़ी है को पैसेंजर साइड से। अब मैं ड्राइवर साइड से भी आपको रूबरू करा देता हूं, और ड्राइवर की जो सीट है दोस्तों यहां पर आपको कई प्रकार के एडजस्टमेंट के साथ में मिलती है, आप इसको रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, और आगे पीछे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस चलाने के लिए गाड़ी मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इनके राइट हैंड साइड में इनका जो है पार्किंग ब्रेक लीवर भी मिलता है, जिससे कि ईजिली इस गाड़ी के ब्रेकिंग को ये लगा सकते हैं। तो गाड़ी चलाने में कैसी है ओम प्रकाश जी? ये
बहुत शानदार गाड़ी है ना। गाड़ी के अंदर हमें स्टेयरिंग कैसा मिलता है बताएंगे जरा? अच्छा, ये टिल्ट वगैरह होता है कि कुछ बताइए बताइए तो साहब। दोस्तों यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है जिसके अंदर आपको टिल्ट फैसिलिटी मिलती है, साथ ही आपको ये कोलेप्सिबल स्टीयरिंग मिलता है जिसके मायने ये होते हैं कि अगर आपकी गाड़ी कभी कहीं हिट हो जाती है तो ये जो स्टीयरिंग है ड्राइवर को हर्ट ना कर पाए, यानी कि ये जो है नीचे की साइड में लटक जाता है। तो ये एक जो है यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाता है। हॉर्न के बटन भी मिलेंगे, बीच में मिलेगा टाटा का लोगो और इस तरह का आपको ब्लैक यहाँ पर स्टीयरिंग मिलता है देखने के लिए। साथ ही दोस्तों फ्रंट में आपको यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे तो डिजिटल और एनालॉग रूप से तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर है, ओडोमीटर है, इस साइड में मिलेगा स्पीडोमीटर, राइट हैंड साइड में मिलता है इंजन आरपीएम मीटर, और ऊपर आपको बैटरी है, माल फंक्शनिंग है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो होती हैं। ये दो बटन मिल जाते हैं सॉफ्ट की, जिसके माध्यम से आप अपनी सेटिंग्स वगैरह को यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था स्टीयरिंग। केबिन के अंदर आपको अगर हम यूटिलिटी स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारी जगह मिलती हैं, पुड़िया वुड़िया रख सकते हैं, माचिस वगैरह है, ये हज़ार लाइट का स्विच हो गया, यहाँ पर आप अपना म्यूजिक सिस्टम फिट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी। और यहाँ पर आपको मोबाइल वगैरह को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट का एक USB सॉकेट मिलता है जो कि 2.4 एम्पियर का है। अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उस समय आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे। और गाड़ी के अंदर आपको ये जो है यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का जो है गियर शिफ्ट लीवर मिल जाता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं हम इसको ईजिली जो है एक हाथ से इस तरह से इसको मूव कर पा रहा हूँ। साथ ही दोस्तों नीचे का जो ये एरिया है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर दिया गया है जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी गियर शिफ्टिंग को काफ़ी सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर केबल टाइप शिफ्टिंग मिलती है, यानी कि आपका जो गियर चेंज होता है वो केबल के माध्यम से होता है जिसका फिटमेंट किया गया है नीचे, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। ऊपर सिल्वर फिनिश के साथ में मिलता है गियर नॉब। और गाड़ी का इंटीरियर आपने देख ही लिया है, लेग स्पेस वगैरह उधर भी काफ़ी अच्छा है और इधर भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस मिल रहा है। बात करते हैं ऊपर की, यहाँ पर आपको लॉक करने के साथ में आपको मिलता है ग्लोव बॉक्स जिसके अंदर आप अपना कुछ भी इंपॉर्टेंट सामान है उसको रख सकते हैं। साथ ही आपको ऊपर भी जगह मिलती है कुछ सामान रखने के लिए, यहाँ चाबी वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी कोई भी मूर्त वगैरह को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल गाड़ी हमें दिखती है कुछ इस तरह की। ऊपर की बात करें यहाँ पर तो आपकी केबिन को रोशन करने के लिए यहाँ पर मिलती है लाइट जो कि येलो कलर के साथ में जलती है, और यहाँ पर आपको IRVM मिल ही जाता है जिसके अंदर आपको मैनुअल इसको एडजस्ट करना पड़ेगा डे नाइट प्रोविज़न के अंदर। साथ ही दोस्तों ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपको सनवाइजर जैसी सुविधा भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये था अंदर का इंटीरियर। तो इस वीडियो को मैंने बनाया है श्याम टाटा इंदौर से। अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है कमर्शियल व्हीकल्स को खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, चाहे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर नित नए दिन में आपके लिए तमाम सारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कार हैं, बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं और बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यू नित नए दिन लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना, फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।